हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर में। आज हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में कल ही एक पोस्ट है वो सीबीएसई ने डाली थी, या फिर मैं कह सकता हूँ राजस्थान बोर्ड और उत्तराखंड जो बोर्ड है उसने भी अपनी जो जो लिस्ट है वो जारी की है कि कब से बोर्ड की जो परीक्षा है वो होंगी। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 13 से होंगी सरकार के आदेश। ये सरकार के आदेश हैं कि 13 मई से होंगी परीक्षाएं। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसी के अंदर कुछ और भी है। लॉकडाउन खुलने के 10 दिन के बाद बोर्ड परीक्षाएं, लॉकडाउन के खुलने के 10 दिन के बाद जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो होंगी। लगभग 3 मई का जो लॉकडाउन था तो 10 दिन के बाद लगभग 13 मई से जो बोर्ड की जो परीक्षाएं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये जैसे जो देहरादून है वहां से प्रकाशित हुआ है और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं इसको। चलिए अब कौन सी परीक्षाएं होंगी पहले अब उनकी भी बात करते हैं। जैसे इन विषयों के में कम विद्यार्थी, जिन विषयों में कम विद्यार्थी होंगे उनकी जो परीक्षा है वो पहले होंगी, ये कहा गया है। जो 10वीं की जो गणित, सामाजिक और जो विज्ञान की जो परीक्षाएं हैं वो आखिर में होंगी, ये राजस्थान जो बोर्ड है उसने कहा है कि जो 10वीं की जो परीक्षाएं जो बची हैं गणित की, सामाजिक की और विज्ञान की, ये परीक्षाएं आखिर में होंगी क्योंकि इनमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं और पहले उन विषयों के होंगे जिनमें जो विद्यार्थी हैं वो कम हैं। ये जैसे अब राजस्थान जो बोर्ड है उसने डाल रखी है अपनी। चलिए अब बात करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं गोविंद सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उनका एक जो ट्वीट है वो आया हुआ है, जिन विषयों में कम विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा पहले कराई जाएगी, स्थगित परीक्षा 3 मई के बाद शुरू कराने की योजना है। पहले जो स्थगित जो कैंसिल कर दी गई थी उनको पहले कराने की योजना बनाई जा रही है और नया जो टाइम टेबल है उस पर एक नए सिरे से काम होगा और जो विद्यार्थियों को लगभग 10 दिन पहले ही मिल सकेगा। एक जो नया जो टाइम टेबल है वो दिया जाएगा और जब भी जो डेट शीट है वो आएगी तो 10 दिन पहले लगभग 3 या फिर 4 मई को जो डेट शीट है वो आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई के अंदर मैं बात करूं कि जो भूगोल, हिंदी और चित्रकला में अधिक है, मतलब कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी है और हिंदी है और जो ड्राइंग है, इसके जो विषय हैं वो पहले होंगे इसमें, क्योंकि इनमें जो अधिक जो विद्यार्थी हैं वो हैं। और अब जो कुछ ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वो बचे हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो बाद में होंगी, या जो सीबीएसई है उस पर डिपेंडेंट करता है कि वो ले या नहीं ले। ये था, और ऐसे ही सीबीएसई की अपडेट या फिर किसी अदर बोर्ड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।